अले 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 ओले 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 बोल इंगा ओ ओले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी फॉर फ्रेश माइंड। तो गाइज, आज का वीडियो का टॉपिक है आफ्टर वैक्सीनेशन हम बेबी की केयर कैसे लेंगे। तो ये बेबी बॉय है जिसका वैक्सीनेशन था, एक्चुअली फर्स्ट वैक्सीनेशन था इसका। तो उसके बाद में वहाँ ये देखिए जहाँ पे इंजेक्शन लगाया ना वो जगह में हमको थोड़ा आइस से, उसको चिल्ड वाले आइस से आइस लगाना होता है। अले 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 अले, अब थोड़ा बहुत तो बच्चे रोएंगे ही अगर हम आइस नहीं लगाते हैं ना, तो यहाँ पे गांठ बन जाती है, वो गांठ नहीं आनी चाहिए, इसलिए इसीलिए हम आइस लगाना पड़ता है। अले 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 अले, इसके दोनों पैर में लगा है और एक शोल्डर में इंजेक्शन लगा हुआ है। बस ये देखिए इस तरह से लगाना। अच्छा, एक बात बताऊँगी मैं, आइस को डायरेक्ट अब बच्चे को ना लगाए। जैसे कि हमने ये एक रुमाल लिया है, ये देखिए इसके अंदर आइस क्यूब लिया है। ओले ओले तोल मालो बाबा, ओले 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 ओले, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये देखिए बच्चे रोएंगे ही। आप रोएंगे तो हमने कैसे लगाएंगे, ऐसा मत सोचिए, ये लगाना ही पड़ता है। अगर आप नहीं लगाते हो तो इसकी फिर गांठ बन जाती है। ये देखिए, ओ ऐसे दिन में हम 4 से 5 बार हमको ऐसे आइस लगानी पड़ती है। ये देखिए गाइस, इससे क्या होता है, ये जो रेडनेस होती है ये देखिए यहाँ पर तो थोड़ी कम हो जाती है और अंदर से गांठ नहीं बनती। ओले मम्मा, आया 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 मम्मा मम्मा, हो हो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अले वाह अले वाह। सिद्धार्थ इकले 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 बगा इकले बगा, अले वाह। अब इसको नज़र आना स्टार्ट हो गई है गाइस। ये देखिए हम जहाँ जहाँ मतलब आवाज़ आती है ना उस टाइप उधर देखता है। सिद्धार्थ बोल, जाल 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 बोल बोल, ओले ओले जाल 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 जाल। ये देखिए गाइस, थोड़ी देर में बच्चे चुप हो जाते हैं। ओ ओ, अब छोटा बच्चा है वो तो रोएगा ही, इंजेक्शन लगाने से भी रोते ही है। तो क्या हम इंजेक्शन लगाना तो छोड़ते नहीं है ना, लगाना ही पड़ता है हमको। उसी टाइप से जो हमको आफ्टर वैक्सीनेशन करना पड़ता है वो भी हमें ज़रूर करना चाहिए। ये भी बेबी केयर में आता है, जैसे कि गांठ नहीं बने इसकी वजह से हम आइस लगाते हैं। अगर मतलब ये नर्स या डॉक्टर ही बताते हैं तभी हम ये सब करते हैं, वरना नहीं करते। तो अच्छे देखिए दूध निकाल रहा है ये।